नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर जनपद के अलीगंज से है। थाना क्षेत्र के गांव झकड़ई में मोबाइल छीन कर भाग रहे बदमाशों का पीछा करते समय युवक को बदमाशों ने सर में डंडा मार दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया। दरअसल मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव झकड़ई का है। मृतक युवक के भाई धीरज ने बताया कि हमारे भाई का मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था। दो लड़के मोबाइल लेकर भागने लगे। हमारा भाई उसके पीछे पीछे दौड़ कर आया। उसने कहा मोबाइल ले गए। हमने पूछा कौन, तो बोला राशिद, और वो ले गए। हमने कहा सुबह देखेंगे। फिर उन दोनों ने पता नहीं कोई चीज युवक के सर में मार दी, जिससे नाक में से खून निकलने लगा। वहीं अलीगंज सीओ अजय कुमार ने बताया कि जैसे यह तहरीर देंगे वैसे ही कार्यवाही की जाएगी। प्रथम दृश्य जैसा कि उन्होंने बताया है कि दो लड़के आए थे, मोबाइल उससे छीन कर भाग रहे थे। इसी दौरान उसके चोट लग गई, इसी से उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। नाम क्या आपका? नाम धीरज सिंह। धीरज सिंह, ये जो एक हत्या हुई है गांव में, क्या मामला क्या है आपके घर का? मामला ये है, हमारे भाई का मोबाइल चार्ज पर लगा था जी। दो लड़के मोबाइल जी रात में निकालने के लिए गए, वो हमारा भाई फिर उसके पीछे पीछे दौड़ भाग के आया, तो उन्होंने कहा हमने मोबाइल ले गए। हमने कौन कौन तो रास्ते तब ले गए। हमने ठीक, हमने चलो सवेरे देखेंगे। फिर जिनने पता नहीं किया चीज़ उसके मार दिया, वो एकदम क्या सिर में कोई चोट मारी थी? हाँ, सिर में मारी। तब उसने अब हम नाक में खून आने लगे, पहले नहीं आया। सीओ साहब, आज जो ये घटना हुई है, आप मौका स्थल पे हो, क्या आपने जांच की? अब ये जैसा ये तहरीर देंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टा जैसे इन्होंने बताया है कि दो लड़के आए थे, मोबाइल उसे छीन के भाग रहे थे, उसी में उसको चोट लगी और उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पीएम के लिए बॉडी भिजवा दी गई है। जैसे तहरीर देंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। बता रहे सर, कोई पुरानी रंजिश नहीं? अब